कैंची धाम दर्शन का आज है हमारा तीसरा दिन। आज हमारी यहाँ से वापसी भी है, थोड़ा जल्दी भी आए ताकि हम आज सुबह की हम आरती भी अटेंड कर सके। तो इस तरह बज रहे हैं सुबह के 6, द्वार खुल गए हैं मंदिर के। अच्छा, लेकिन ये वाला द्वार तो खुला ही रहता है, लेकिन अभी वहाँ पे मंदिर के उस जगह पे द्वार नहीं खुले हैं। तो मार्च का मौसम है, अभी भी यहाँ पे ठंड है। दिल्ली और NCR में तो देख रहे हैं कि ठंड एकदम खत्म ही हो चुकी है इस समय तक, लेकिन आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं मार्च में, अप्रैल में, तो भी आपको जो है कम से कम अपना गर्म कपड़ा कुछ ना कुछ लाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से अभी द्वार खुला नहीं है और जो श्रद्धालुगण हैं वो बैठे हुए हैं कि कब जो है द्वार खुले। टाइमिंग्स देख लीजिए, ये शीतकालीन यानी कि विंटर का जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 7 से शाम को 6 बजे तक, और जो समर के टाइमिंग है वो अप्रैल से स्टार्ट होंगे, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, और वो है 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले 7 बजे का टाइम है। तो आपको अलग अलग लेवल के यहाँ पे श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। सुबह का समय है, अभी गेट ओपन भी नहीं हुआ है और श्रद्धालु जो है यहाँ पे गेट के बाहर अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी हम निकल गए हैं नीम कॉलोनी धाम से, कैंची धाम से हम आगे निकल चुके हैं इस समय पे दर्शन करके। अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर और रानी खेत से होते हुए जाएंगे, तो रानी खेत भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। कैंची धाम से सीधा आप आगे आएंगे बवाली रानी खेत रोड पे, इसमें बीच में आपको पड़ेगा यहाँ पे गर्म पानी। 23 किलोमीटर। तो ये रूट है कर्ण प्रयाग से होते हुए हम जा रहे हैं श्रीनगर के लिए। हाँ, कर्ण प्रयाग 115 किलोमीटर द्वाराहाट, और दूसरी साइड पड़ जाएगा कौसानी। और ये द्वाराहाट शहर है, काफी प्यारा खूबसूरत सा, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी में घर बने हैं। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 109 फॉर 28 किलोमीटर्स। तो आपने सुनी लिया है मैप क्या बता रहा है। तो ये मार्केट से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए, गनाई का मार्केट है ये। तो यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो आपको रानी झील के दर्शन होंगे। रानी झील बहुत बड़ी झील है, एक आर्टिफिशियल झील बनाई हुई है, बोटिंग भी वहाँ पे होती है। तो हम यहाँ से अभी आगे जा रहे हैं, राजीव गांधी पार्क से होते हुए हम आगे जा रहे हैं। हम रानी खेत बहुत प्यारा है, रोड देखो कितनी प्यारी है रानी खेत में, ये है सही है यार, आप सब देखते हैं। यार श्रीनगर कहीं लिखा है? तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग कैंची धाम से निकले हैं कर्ण प्रयाग के लिए, लेकिन बीच में ही हमें रोक दिया गया है। ये हम कर्ण प्रयाग से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले हैं और हमको यहाँ पे पुलिस ने रोक लिया है। जब मैंने इनसे पता किया तो बताया जा रहा है कि विधानसभा पे महिलाओं ने धरना दिया हुआ है। उत्तराखंड में केस हुआ था अंकिता भंडारी वाला, उसके निर्णय को ही लेके महिलाओं ने धरना दिया हुआ है, क्योंकि उसका अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया है। इसीलिए महिलाएं भी पीड़ित हैं, उनको लगता है कि भाई जो भी रिजल्ट होना चाहिए, जो भी सजा मिलनी चाहिए, जो भी कल्प्रिट है उसको जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। अब देखो 300 महिला के करीब जो हैं वो इस तरह पे धरने पे हैं। अब देखो क्या रहता है सीन, उसके बाद मैं उनका पंचायतनामा भरता हूँ। जो डॉक्टर साहब है ये भाई लोग 1 घंटे से खड़े हैं, 1 घंटा हो गया ना आपको? 1 घंटा पूरा। अब देखो कब तक खुलता है रास्ता। तो फैमिली है, फैमिली के साथ हम लोग भी इससे फंस गए हैं, बीच में अटके हुए हैं। वो तो चलो ये है कि भाई हमारे पास थोड़ा बहुत स्नैक्स है, अगर भूख लगती है बच्चों को तो बच्चे खा लेंगे। गैरसन में हम लोग एंटर कर चुके हैं। गैरसन अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है। सामने नाना जी, नाना जी, नाना जी, बोल नाना जी। इस नदी में बहुत पानी है। हाँ चलेंगे बेटा, जाएंगे जाएंगे।